हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांश प्यार में। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गोरामा की रेसिपी, जो कि कच्चे आम से बनाया जाता है और अभी कच्चे आम का सीज़न है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। और इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का आम लिया है और ये पूरी तरह से कच्चा आम है। इसको मैंने छील के लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के टुकड़ों में काट सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, और उसके बाद मैंने जीरा लिया है, और उसके बाद मैंने आटा लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे घी लिया है, और उसके बाद हमें चाहिए पानी। तो इतना चीज़ हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चूल्हे पर बर्तन रखना होगा, और वो जब गर्म हो जाए तो उसमें हमें एक चम्मच घी डाल के और जीरा डाल देना होगा। और जीरा जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें आम के टुकड़े डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा जीरा यूज़ किया है और आधा मैंने रख दिया है, क्योंकि एक आम के लिए इतना जीरा काफ़ी है। तो जीरा जब अच्छी तरह से लाल हो जाए फिर हम इसमें आम डाल देंगे। तो मैंने आम डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको आप मीडियम आंच पे लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें। इतने ये अच्छा सा हो जाता है लाल लाल। और इसको कम आंच पे नहीं करना होता है, क्योंकि कम करके अगर हम करते हैं तो आम जो है वो पूरा अच्छे से गल जाएगा। तो हमें आम को गलाना नहीं है, सिर्फ इसको लाल कर लेना है। तो हमारी तरफ जो गुरामा बनता है इसी तरीके से बनता है। तो अभी मैंने आम को निकाल लिया है, और अब मैं उसी बर्तन में दोबारा से एक चम्मच घी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है एक चम्मच, और अब मैं इसमें आटा डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आटा लिया है, और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी कम आँच पर। तो आप चाहें तो बिना घी के भी आटा को भून सकते हैं। तो मैंने इसको भून लिया है, और आटे को ज़्यादा हमें काला नहीं करना है। ये अभी लाल लाल सा हो गया है, अब मैं इसको उतार लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दूसरे बर्तन में इसको उतार लिया है, और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें घी डाला हुआ है, इसकी वजह से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, पर इसमें गांठ वगैरह नहीं है। तो बस हमारा वही है कि गांठ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैंने रख दिया है बर्तन को चूल्हे पे। अब ये जब गर्म हो जाएगा फिर हमें इसमें आटे वाले घोल को डाल लेना है, और ये घी की वजह से जो है पानी अलग लग रहा है और आटा अलग लग रहा है, पर इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब पकने लगेगा तो सब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी। तो पानी अपने आप अपने अंदाज से डालें, क्योंकि जब आटा जो है पकता है तो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी, लगभग 1 गिलास पानी मैंने फुल इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि ये ग्रेवी वाली बनती है। और अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, तो गुड़ भी मैंने डाल लिया है। तो इसको अभी मीडियम आंच पे हम जो गुड़ है उसको पिघलने देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ पर जो है वो पिघल चुका है, और इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हमारी तरफ आम का जो गुरामा होता है वो इसी तरह से आटे के साथ बनाया जाता है, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ आप पराठा, पूड़ी, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने इसमें आम को ऐड कर दिया है, क्योंकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया था और जो पानी है वो हमारा थोड़ा सा सूख गया था। तो मैं आम को डाल के इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 3-4 मिनट और पका लूँगी, और उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी, क्योंकि इसको पूरी तरह से गाढ़ा नहीं करना है, वरना ये सूखने के बाद एकदम जम जाएगा, मतलब हलवा टाइप का हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा पानी जैसा ही रखना है, जैसे ग्रेवी होती है सब्जी की उस तरह से इसको रखना है। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया, और ये आप देख सकते हैं कि आम जो है वो अच्छे से पक गया है, मतलब गल गया है वो पूरी तरह से, और जो ग्रेवी है वो भी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी, और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का दिख रहा है।
मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो तैयार है हमारी गुरामा की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।